किसके लिए? सेफ्टी, एस ए एफ ई टी वाई, सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। तो बाकी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जो रह गए हैं वो पिछली वीडियो देख के उसको दोबारा पढ़ो। हाँ वही आए, वही आएंगे। बहुत अच्छा किया आपने याद दिला के। अभी आज मैं आपको बता रहा हूँ कि खतरे कितने प्रकार के होते हैं। खतरा क्या होता है वो तो ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, वो आप वीडियो में देखो। अब ये जो हैजर्ड जो होता है इसको हिंदी में खतरा बोलते हैं। क्या कहते हैं? आज तक आपने सिर्फ डेंजर का मतलब खतरा सुना, ये टेक्निकल नाम है। आज के बाद डेंजर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हैजर्ड बोलेंगे, खतरनाक को हैजर्डियस बोलेंगे, डेंजरस नहीं बोलेंगे। डेंजर और हैजर्ड अलग चीज़ होगी। डेंजर जो खतरा है वो आपका पर्सनली हमें किसी चीज़ से होता है, कोई गोली मार देगा, कोई काट देगा, कोई धमका देगा या पशु मार देगा मेरे को, वो डेंजर में आता है। लेकिन ये टेक्निकल नाम इसका है और ये प्रोफेशनली इंडस्ट्री के अंदर कामकाज करते टाइम में होने वाले खतरे का नाम है। हमारे पर्सनल खतरों में और कामकाज वाले खतरों में बहुत फर्क है। हम पर्सनल जीवन में कभी किसी मशीन के अंदर नहीं आ सकते ना, लेकिन इंडस्ट्री में किसी मशीन के अंदर आ सकते। टाइप्स ऑफ हैजार्ड, खतरे के प्रकार। मैं आपको खतरे के प्रकार बताता हूं। सबसे पहला मैकेनिकल, मैकेनिकल हैजार्ड। अब सोच रहे होगे ये कौन सा खतरा होता है। बेटा कोई भी खतरा जो मशीनी काम करने से, मशीनों के साथ काम करने से, मशीन पे काम करने से, मशीन चलाने से पैदा होता है या जिससे हमें नुकसान हो सकता है, उस खतरे को मैकेनिकल हैजर्ड बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? मैकेनिकल। मैकेनिकल समझ है, जेसीबी चलाते हैं मैकेनिकल है, जेसीबी को रिपेयर करते हैं या किसी गाड़ी को, किसी मशीन को रिपेयर करते हैं, नट बोल्ट खोल के उसको चैन पुली से उठाना पड़ता है, बसी मशीनों को चैन पुली फैल कर जाए अपने हाथ नीचे आ, होता है कि नहीं होता है? छोटे से भी खतरे की बात करें, हम कोई चीज़ खोल रहे होते हैं पाने से, चाबी से, एकदम वो स्लिप कर जाए, छूट जाए, कितनी तेज लगता है, जहाँ जिस हड्डी पर लगता है वही सूझ जाती है ना, वो भी खतरा है। तो मैकेनिकल हैजर्ड समझ गए आप, मशीनों के दौरान, मशीन को रिपेयर करने के दौरान, मशीन के मेंटेनेंस के दौरान, मशीन पे काम करने के दौरान, मशीन से काम करवाने के दौरान, मशीन चलाते टाइम जिस तरीके के हैजार्ड्स का, खतरे का सामना करना पड़ता है या खतरे पैदा होते हैं या उनकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है, उन सभी हैजार्ड्स को हम मैकेनिकल हैजार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल हैजार्ड्स। बेटा सेकेंड नंबर आपका है, यस गुड, फिजिकल, यही है ना, है ओके, ये है, हो गया, क्या गलत है अभी? ठीक है, आपने कहा ठीक है तो ठीक है। फिजिकल हैजर्ड, अब ये समझते हैं फिजिकल हैजर्ड क्या है। फिजिकल हैजर्ड क्या है तुम बताओ? फिजिकल का मतलब समझते हो, हिंदी में क्या कहते हैं फिजिकल को, क्या कहते हैं? यस, शारीरिक खतरा। क्या है ये शारीरिक खतरा, अब मेरे को बताओ? जिससे सीधे तौर पे हमारे शरीर को क्या हो, अब अगर ठोकर लगी तो वो क्या है? फिजिकल हैजर्ड है। अगर हम किसी तेल पे, पानी पे, चिकने फर्श पे स्लिप हो गए तो वो क्या है? मोच आ गई तो, कैसे गिर गई, हड्डी टूट गई तो, कौन सा खतरा है? फिजिकल हैजर्ड। क्लियर हो गया या और समझाओ? अरे बेटा मैकेनिकल में मशीन की वजह से टूट फूट होती है, इसमें पर्सनली हमारी वजह से हो जाती है, कोई तीसरा थर्ड कार्ड नहीं होता है। मैं किसी को धक्का दे दूँ वो गिर जाए तो वो क्या खतरा है?
मैंने थोड़ा थोड़ा फर्क है, ऐसा नहीं है। वो खतरा तो खतरा होता है, मशीन में भी खतरा होगा तो मेरा ही हाथ कटेगा, लेकिन उसका कारण क्या था? उसका कारण ये थी, क्या थी ये? ये मशीन थी बेटा। अगर किसी गाड़ी के टायर के नीचे मेरा पैर आया तो पैर तो मेरा ही टूटा, लेकिन उसका कारण क्या था? उस खतरे का कारण दूसरा था, वो खतरा दूसरे प्रकार का था। फिजिकल में होता है जो किसी दूसरे बाह्य कारण की वजह से मेरे को ही सीधा डायरेक्ट मेरी वजह से ही मेरे शरीर को ही नुकसान हो, या मेरे किसी साथी दूसरे की वजह से सीधा मेरे शरीर पे इफेक्ट पड़े और मेरे ही कारण पड़े। तो वैसे हम सीधे चल रहे होते हैं, चलते चलते ऐसे पैर मुड़ता है तो किसी का क्या कारण होता है? लेकिन हैजर्ड तो है, वो स्लिप होना, ठोकर खा के गिरना, मोच आना, हाथ हाथ मुड़ जाना। अब मजाक में हम किसी दोस्त का हाथ मोड़ देते हैं, खतरा तो है, तुम्हें पता है खतरा है कि नहीं? उसका टूट सकता है ना भाई, मोच आ सकती है, खतरा है। मोच नहीं आई ठीक है, बच गया, लेकिन अगर सच में उसका ज़्यादा हो गया और मोच आ गई तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो खतरा वही होता है भाई। खतरा मैंने क्या बताया था? खतरा सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं है, ये नुकसान की संभावना है। क्या है? संभावना है। हमारे बिजली के खंभे पे जो खतरा 11000 वोल्ट लिखा होता है, वो खतरा क्या है? वो ऐसा थोड़े कि वहाँ पे आदमी मरते ही हैं जाके, संभावना पूरी है। तुम वहाँ जाओगे तो मरोगे, नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हैजर्ड क्या होता है? नुकसान की संभावना, ठीक है। बाइक को, गाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से ज़्यादा चलाना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज़्यादा बाइक को चलाना खतरा है, लेकिन सब मरते थोड़े हैं, चोट भी नहीं लगती, डेली 60 से ऊपर ही चलाते हैं सब। लेकिन हैजर्ड तो है कि अगर 60 से ऊपर 80-90-100 की स्पीड में होगा, एकदम से कोई कुत्ता, बिल्ली, जानवर, पशु, बूढ़ा आदमी, बच्चा आ गया, हम ब्रेक मारेंगे, क्या होगा? खतरा है क्या? नहीं है वो तो, खतरा संभावना है। 100 से ऊपर गई तो बोले भाई दिक्कत हो सकती है, मतलब संभावना है कि नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है हो ही जाए, लेकिन संभावना होती है उसमें काम करने की कि भाई नुकसान तो होगा। तो ये फिजिकल हैजर्ड वही खतरे हैं जिनकी वजह से हमें जो है हमारे ही कारण शारीरिक कार्य करते टाइम, बेटा शारीरिक मैकेनिकल नहीं, कोई सामान उठाना हो, अब मेरे को कोई 40 किलो का कट्टा या बोरी या कोई सामान उठाना, पेटी उठानी है, उसको ऐसे करके एकदम से उठाऊंगा, एकदम से ऐसे कमरे में झटका लगा, वो क्या है? फिजिकल हैजर्ड है कि नहीं है वो? उसमें क्या कारण था? कारण तो कोई नहीं था, बस मैं खुद बोझ उठा रहा था, गलत तरीके से उठा लिया, कमर को कर लिया। क्लियर? इन चीजों को मैंने पहले आपको बताया था, फायर में और सेफ्टी में बहुत फर्क है। फायर में फायरमैन होते हैं, सेफ्टी में सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर होते हैं। दोनों की पढ़ाई अलग है, दोनों का काम अलग है। फायर में इतना ज़्यादा दिमाग शायद आपको ना लगाना पड़े, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा फायर से ज़्यादा इसमें सेफ्टी। तीसरा आपका होता है क्या हुआ? केमिकल हैजर्ड। इसके लिए तो नहीं कुछ ज़्यादा मुझे बोलना पड़ेगा, इसको भी क्लियर करके बताना है या क्लियर है? वो रासायनिक, किसी भी तरह का रसायन जो हमारे शरीर को किसी तरह से इफेक्ट कर सकता है, तेजाब है जला सकता है ना, कोई और तेल वगैरह है वो गला सकते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। कई तरह के केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं जो हमारे शरीर पे कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब जो अभी स्किन पे गिरा और जला दिया या लाल कर दिया या उसको गला दिया, सफ़ेद कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ केमिकल ऐसे होते अब गिरा था कल जाके असर होगा है, इनडायरेक्टली। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं शरीर पे लग जाए कोई दिक्कत नहीं, उसकी सुगंध दुर्गंध अगर अंदर चली जाए तो कल बुखार हो जाएगा है। जैसे गेहूं में धान में वो दवाई मारते हैं, हाथों से ही मारते हैं, मारते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो दिमाग में चढ़ जाए, ऊपर से धूप हो रहा, हम जाकर डोले पर बैठ जाए, बीड़ी पी लें, क्या हो जाता है? सुना है आपने? नहीं सुना होगा, आपने सुना है? वो चढ़ जाती है, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो वो केमिकल कैसा था? केमिकल हाथों में कोई दिक्कत नहीं आई, शरीर में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन उसकी गंध दिमाग में। तो केमिकल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किसी भी रसायन से अगर कोई खतरा उत्पन्न होता है, किसी तरह की नुकसान की संभावना पैदा होती है, तो उस हैजर्ड को हम केमिकल हैजर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
केमिकल हैजार्ड बोलते हैं। इसके बाद बेटा एक आता है चार नंबर पे एनवायरमेंटल हैजार्ड। क्या होता है एनवायरमेंटल की स्पेलिंग भी नहीं आती है बहुत लोगों को, तो एनवायरमेंटल हैजार्ड। अब एनवायरमेंट का मतलब समझाएंगे क्या होता है। नहीं ठीक है तुम्हारा भी वही बात है, ज्यादा फर्क नहीं है, आप उसको वो मान सकते हो। अब पर्यावरण से संबंधित खतरा क्या हो सकता है आप मुझे समझाओ, नहीं तो फिर मैं ही समझाता हूँ। चलो वातावरण या पर्यावरण का मतलब बेटा हमारे चारों तरफ फैला हुआ ये वातावरण जिसमें तरह तरह की गैस हवा धूल के कण बहुत कुछ मौजूद है, यही पर्यावरण है हमारे चारों तरफ है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी घूम रही है, ऑक्सीजन भी घूम रही है, और नमी है तो वहाँ पे पानी भी घूम रहा है, लेकिन वो पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो बाद में बादल के द्वारा ही लिक्विड फॉर्म में आएगा। लेकिन जहाँ नमी है शरीर में से पसीना है वो चिपचिप पैदा हो समझ लो वहाँ नमी है, वो पानी वाष्प होके वहीं घूम रहा है ऊपर बादलों तक नहीं गया। तो ये चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो पर्यावरण है हमारा, धूप है वो पर्यावरण का हिस्सा है, ठंड है वो भी पर्यावरण का हिस्सा है क्योंकि कहीं बर्फ पड़ रही है कहीं गर्मी पड़ रही है, वो पर्यावरण है जो हमारे चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है। वस्तुओं को छोड़ के, किसको छोड़ के, वस्तुओं को, वो जो मैंने आपको बताया था सॉलिड लिक्विड ये जो कुछ भी, वो सभी वस्तुओं को छोड़ के चारों तरफ हमें जो दिखाई दे रहा जो महसूस कर रहे हैं वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। अब पर्यावरण से संबंधित हैजार्ड में पता है क्या आता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही हो है, जब बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही होगी तो सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा कहीं ज़्यादा धुआं उठ रहा हो, कहीं धुआं उड़ रहा होगा ज़्यादा पराली वराली जल रही होती है, उस धुएं में से निकल नहीं पाते हैं सांस नहीं आता है क्योंकि ऑक्सीजन तो वहाँ ख़त्म हो चुकी है और सारी CO2 बन गई है। तो पर्यावरण से संबंधित खतरा क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल हैजार्ड, इसको बोलना सीख लो। ये वर्ड आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए अपना नाम। आप सोच रहे हो एक वर्ड से क्या फर्क पड़ेगा, ये जो सेफ्टी मैंने आपको बोला है ना, आप जब सेफ्टी की नौकरी करने जाएंगे तो ये सेफ्टी डिपार्टमेंट को ना बोलते हम सिर्फ सेफ्टी डिपार्टमेंट है बेटा, इसका पूरा नाम HSE या EHS इनमें से कोई भी हम बोल सकते हैं, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब पता है क्या तीनों का, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ये होता है हमारा विभाग। जैसे फायर ब्रिगेड बोलते हो, नाम फायर ब्रिगेड है लेकिन उसका पूरा नाम पता है क्या होता है, स्टेट एमरजेंसी एंड फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट। क्या होता है, स्टेट फायर ब्रिगेड एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट। राज्य अग्निशमन सेवा व आपातकालीन विभाग, ये होता है उसका पूरा नाम। ऐसे ही इसको हम सेफ्टी डिपार्टमेंट बोलते हैं पर पूरा नाम होता है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट। तो ये एनवायरमेंट जो ई है ना वो यही है, यही अगर बोलना और लिखना स्पेलिंग नहीं आई तो हम फिर क्या सेफ्टी में नौकरी करेंगे। तो इसको याद रखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ रजिस्टर कॉपी पेन अपना लेके बैठो, अटैच से लिख दो जो चीज़ें लिखने की होती है। तो इसके बारे में नहीं अब ज़्यादा कुछ बताना है, एनवायरमेंटल हैजार्ड समझ गए। हमारे पर्यावरण में कोई भी चीज़ जो हमें नुकसानदायक है, हमें नुकसान पहुँचा सकती है, दुखदायक है, बहुत ज़्यादा गर्मी शरीर को जलाने वाली, वो भी एनवायरमेंट हैजार्ड है, समझ गए। होता है कोई धूप में पूरा दिन काम कर लेता है जल जाते हैं पूरे कमर यहाँ से खाली हो जाती है, हैं वो भी एनवायरमेंटल हैजार्ड है। ठीक है, दो खतरे, पांच नंबर आपका आता है बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायोलॉजी कभी सुना है कहीं पे? यस सर। क्या होता है ये बायोलॉजी बताइए मुझे, जीव विज्ञान। तो इस तरीके की दिक्कत हमें पता है कहाँ हो सकती है, हॉस्पिटल का कचरा होता है उसमें तरह तरह की दवाइयाँ और पट्टियाँ और खून और वो सब होता है, तो उसमें से एक अजीब टाइप का केमिकल और बदबू पैदा होती है, वो बायोलॉजिकल हैजार्ड है। हमारे घर का कूड़ा जो निकलता है उस कूड़े घर में कूड़ेदान के पास रह के देखो 3 दिन में बीमार हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर शुद्ध हवा गैस नहीं आती है,
ये बायोलॉजिकल हैजार्ड है। कुछ इंडस्ट्रीज में, कंपनी में जहाँ मेडिकल वेस्ट बनता है या कुछ प्लास्टिक का काम होता है या वहाँ पे चप्पल जूते बनाए जाते हैं रबड़ से, वो एक अजब सी दुर्गंध सी उठती है जिसको खुलाई जाती है, उल्टी आ जाती है कई बार आदमी को। जहाँ ये रिलैक्सो की चप्पल पहनते हो वो नीले वाली काली वाली ऐसी चप्पलें या जूतों की तली जहाँ बनती हो ना, कभी उसके पास खड़े हो गए देखना आपको कैसी बनती है, उल्टी गिरोगे यार उसी टाइम पे आपको। वो क्या होता है, वो बायोलॉजिकल हैजार्ड है। भौतिक भौतिक विज्ञान इसको बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। अच्छा ठीक है, जीव विज्ञान है, ठीक है। तो हमारे घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा, इंडस्ट्री फैक्ट्री से निकलने वाला कूड़ा कचरा, उसकी वजह से जो बदबू, जो केमिकल, जो गैस, जो गंदी हवा पैदा होती है, उसके संपर्क में अगर हमारे आने से किसी तरह का खतरा पैदा होता है तो वो बायोलॉजिकल हैजार्ड है। ये हमेशा नहीं, हमेशा कभी सामना करना पड़ता है इसका, हमेशा हमें कभी से दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जानना है तो सारे जानने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है जो जरूरी है वो जान लिया बाकी छोड़ दिया, लेकिन इंटरव्यू में किसी ने सवाल किया तो सारा ही करेगा ना। एक सिर्फ एक लास्ट बचता है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल। अब सोच रहे होगे सर तो बहुत बड़े बड़े वर्ड देने लगे हैं, क्या करें, वर्ड ही बड़ा है इसका मतलब छोटा सा। ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड, देखो हम सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हमें उस खतरे को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है और रोकने का तरीका निकालना पड़ता है जिसकी वजह से सिर्फ खरोंच लगती हो। क्योंकि अगर थोड़ी सी खरोंच या कट भी लगेगा तो आदमी कुछ टाइम के लिए तो काम छोड़ेगा, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, जितनी देर के लिए काम छोड़ेगा वो काम का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। और कोई भी कंपनी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्लांट, फैक्ट्री नहीं चाहता कि उसका काम जरा सा भी डिले हो जाए, उसके काम में थोड़ी सी देर का भी नुकसान हो। सर उसी नुकसान को रोकने के लिए हमारे जैसे लोगों को, डिप्लोमा किए लोगों को सेफ्टी अफसर बना के खड़ा किया जाता है, इसलिए हमें जानना पड़ेगा। अब ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड बिल्कुल नया है, नए तरीके की चीज़ है, इसको आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा तो तुरंत पकड़ देंगे। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब है ना किसी भी संगठन के अंदर काम करते, बहुत बड़ा खतरा नहीं है ये, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर लगातार 8 घंटे 6 घंटे कुर्सी पे बैठे बैठे कंप्यूटर पे लगा रहेगा तो उसकी आंखें और उसकी कमर, पक्का गारंटी बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 1.5 साल 2 साल वो काम कर पाएगा, उसके बाद उसकी कमर में ऐसी दिक्कत आएगी वो लैक टेंशन। 8 घंटा या कुर्सी पे बैठे बैठे कैसे हो सकता, शरीर पूरा थक जाता है, पैर सुन्न होने लगते हैं और ऐसे कंप्यूटर में देखते देखते आंखें भी खराब होने। ऑर्गेनाइजेशनल कोई बड़े बड़े खतरे की बात नहीं है, लेकिन ये खतरे के अंदर गिना जरूर जाता है, क्योंकि किचन फायर जैसे कितने टाइप की फायर है हमने उसमें काउंट किया कि किचन, इलेक्ट्रिकल फायर है, इलेक्ट्रिकल फायर कोई मैन तो है नहीं, स्पेशल बिजली में तो आग लगेगी नहीं, बिजली की वजह से लगती है, लेकिन क्या करें कभी कभी बिजली के तारों में भी लग जाती है, इसलिए हमें उसको रखना पड़ता है। तो खतरे मैन मैन जो थे वो 4 थे पहले जो मैंने आपको बताया, ये एक दो जो एक्स्ट्रा है ये हमेशा नहीं सामने आते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड हुआ हम क्या करेंगे, इंजीनियर है बैठा तो रहना ही पड़ेगा, नहीं हम उनको जाके समझा सकते हैं, आप हर 2 घंटे के बीच में ब्रेक लें, चाहे छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन अब कोई इसके अलावा हम मान लेते हैं कहीं पे कोई सीमेंट फैक्ट्री में जहाँ काम करता है और उसका ऊपर 2 आदमी जो खड़ों का काम ये है ऐसे झुकना है, कट्टा उठाना है फेंकना है, झुकना है उठाना है फेंकना है, झुकना है, लगातार ऐसे होते रहेंगे तो वो भी ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड ही है, संगठन की वजह से हम एक जगह काम कर रहे हैं। या कोई सिक्योरिटी गार्ड है, देखो सिक्योरिटी गार्ड एक संगठन का हिस्सा है, उसको खड़ा रहना है गेट पे 8 घंटे भी तरह खड़ा ही रहेगा, खड़ा ही रहेगा, गर्मी का टाइम ऊपर से धूप पड़ रही होगी, उसको चक्कर आ जाएगा, आ जाएगा ना, तो वो भी तो इसी खतरे में आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब वो नौकरी करते करते उसको दिक्कत हुई ना, किसी काम की, वैसे किसी काम की कंपनी का काम करते हुए, सिंपल नौकरी करते हुए उसको अगर कोई दिक्कत होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड में, ठीक है, समझिए। तो ये थे आपके खतरों के प्रकार, कितने टाइप के खतरे, भाई सेफ्टी थोड़ी सी अलग पढ़ाई है, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, हमने सिर्फ यही बताया, वरना चाहे तो कितना ही लंबा कर दो, ये जरूरी है। इसको 5 को 6 हैं 6 के 6 लिख के रखो, मैं नहीं सुन रहा हूँ आपसे, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं भी करूँगा, लेकिन लिख के रखो, और ये आपकी स्पेलिंग है ना ये बिल्कुल सही होगी, ठीक है। कल मिलते हैं सेम क्लास टाइम पे, पहली क्लास में, ठीक है।
तो कल तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग पहुंचिए टाइम से आपके घर पर, कल टाइम से मिलेंगे।